नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। सबसे पहले बात करने वाले न्यूज टॉप 9 में हम कातल कोरोना महामारी के बारे में। देश में कोरोना से बिगड़ रहे हालातों पर पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद किसके साथ करेंगे महामंथन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए कितने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की। आज किस ऊंचाई तक पहुंचा कोरोना। कोरोना को हराने के लिए पीएम ने हरिद्वार के साधु संतों से क्या कुछ अपील की। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 वायरस विस्फोट में। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चा के लिए पीएम मोदी ने आज रात 8 बजे बैठक बुलाई। इसमें बड़े मंत्री और अफसर शामिल होंगे। आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। लगातार तीसरे दिन भी देश में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के पार है। 24 घंटे में कोरोना के 2,34,692 नए केस सामने, वहीं 1,341 लोगों की मौत हुई। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के बढ़ने के 2 बड़े कारण। जनवरी में टीकाकरण शुरू हुआ और मामले में कमी आई तो लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ गई। इसी के चलते आज कोरोना के मामलों में तेजी आ रही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पीएम मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की और हरिद्वार कुंभ मेले को समाप्त करते हुए प्रतीकात्मक रखने की अपील की। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम की अपील का स्वामी अवधेशानंद गिरी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा, कुंभ में भारी संख्या में लोग ना आए, जीवन की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने संतों का स्नान जारी रहने की बात भी कही। कोरोना पर आई नई स्टडी से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। विश्व के प्रमुख हेल्थ मैगजीन लोसेंट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हवा के जरिए कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के रिसर्चर्स ने रिपोर्ट तैयार की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में आज CWC की बैठक हुई और कोरोना महामारी से पैदा हुई हालात पर चर्चा की। पार्टी ने मौजूदा हालात के लिए केंद्र सरकार पर 14 आरोप लगाए और वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा घटाकर 25 साल करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो केसी में भी भीषण कोरोना विस्फोट हुआ है। 5 IAS समेत 3 IPS कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं DGP अवस्थी भी कोरोना संक्रमित होने के कारण आइसोलेशन में। बिहार में महज 4 दिन में कोरोना मरीज दोगुने हो रहे हैं। ये डबलिंग रेट देश के बाकी राज्यों से ज्यादा है। कल 6,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। वहीं ऑक्सीजन की कमी के चलते NMCH और PMCH में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।